श्रीश उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरदर्शव मृते भर्तरि दुःखार्ते यतु स्वपितुर्गृहान्। कंस के दो पत्नियां थी महारानी, एक का नाम अस्ति, दूसरे का नाम प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति नाम के दोनों जरासंध की बेटियां थी। हे भरदर्शवा रे परीक्षित, मृदे भर्तरी अपने पति के मर जाने पर दुख कारते, दुख से पीड़ित दोनों के दोनों महिषियां पितो गृहान ये तो अपने पिता के घर की ओर चले गए। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखिते वेदयान चक्रतु सर्वम आत वैधव्य कारणम। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखिते, पिता के सामने में उन्होंने, पिता कौन है जो मगध देश का राजा जरासंध अपने दुखिते दुखी ये दोनों के दोनों द्विवचन है, दुखिता स्त्रीलिंग का दुखारते भी तीसरे द्विवचन महिषो का, ये दोनों के दोनों वेदयान चक्रतु इसे द्विवचन प्रयोग कर रहे हैं ना, बोध कराए सर्वम आत्मवैधव्य कारण, अपने विधवा होने के प्रति जो कारण है वो तो सारी कथा उनको सुना दिए। सदा अप्रियमाकरण्य शोकामर्शयुतो नृप अयादवी महिम कर्तुम चक्रे परमम उद्यमम। वह जरासंध तद अप्रियमाकरण्य शोकामर्शयुतो नृप, ये परीक्षित वो अप्रिय बातों को सुनकर के शोक और अमर्श दोनों से युक्त हुआ। वह जरासंध इस पृथ्वी को ये तो वंश से रहित करने के लिए निर्णय ले लिया। अयादवी महिम कर्तुम परम उद्यमम चक्रे, परम उत्कृष्ट जो है प्रयास करने का निर्णय ले लिया। और क्या किया, पहली बार जो जा रहा है 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर जा रहा है। अक्षौहिणी भिर्विंशत्या तिसृभिश्चापि संवृदः यदुर्राजधानीं मथुराम निर्णत सर्वतो दिशम। 23 अक्षौहिणी सेना, विंशत्या तिसृभिश्चापि 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के यदुओं की राजधानी मथुरा को चारों दिशाओं से घेर लिया उसने। भगवान कृष्ण ने देखा अपना तो छोटी सी सेना और इसकी तो बाप रे बाप, इतनी बड़ी समुद्र जिसे लगेगा 23 अक्षौहिणी सेना का, क्योंकि एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2 लाख होते हैं सैनिक, 23 × 2 मेरे 56 लाख हो गया। इतने सैनिक घेर करके कहीं नगरी के चारों तरफ खड़े रहे तो क्या हालत होगा, 56 लाख लोग इकट्ठा घेर के खड़े। उनसे सारथी वार से मिला करके, तो घोड़े पर एक ही होता है पदाति तो स्वयं होते ही है, इन रथ पे और हाथी पे दो दो हुआ, एक तो लड़ता है और दूसरा लड़ता नहीं, उन सब की संख्या जोड़ करके कहा गया लगभग 2 लाख से ऊपर पड़ता है। उसी हिसाब से अगर 56 लाख लोग वहां पर खड़े अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित विद्यमान। निरीक्ष तत्बलं दृष्टा उद्वेलम इव सागरम स्वपुरम तेन संरुद्धम स्वजनं च भयाकुलम। भगवान ने देखा, उसे देखा तो उपमा क्या दे रहा है, सागर में ज्वार भाट भयंकर ऊंचा उछाल के देता हुआ आता है, जो ठीक वैसे उसकी सेना दिख रही थी दूर से, इधर भयंकर सागर उद्वेलम इव तत् बलम निरीक्षा स्वपुरम तेन संरुद्धम, और अपना सारी मथुरा नगरी चाहे भागने का भी अवसर नहीं है, चारों तरफ से घेर लिया गया। इसको देख करके स्वजनं च भयाकुलं वीक्ष्य, अपना जो स्वजन है पूरी की पूरी राज्य के लोग सब के सब भय से पीड़ित, ये सोच रहा अब तो गया मथुरा नगरी को मिटा देंगे तो पूरा स्वाहा कर डालेगा। चिंतयामास भगवान हरि कारण मानुषः तद्देश कालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनम। भगवान हरि कारण मानुष, यद्यपि स्वयं कारण रूपी है
सारा संसार का कारण रूपा आत्मा ही है, फिर मनुष्य का शरीर धारण किया होने से उसका नाम कारण मानुष कहा जाता है। ऐसे वह भगवान चिंतन करने लगे, देश कालान गुणम स्वावतार प्रयोजन चिंतयामास, क्या करना क्या नहीं करना, देश काल की परिस्थिति के अनुरूप क्या कदम उठाना चाहिए और अपना अवतार का प्रयोजन भी ध्यान रखना है। वे सभी सत्पुरुषों के वचनों को, सनातन धर्मियों के वचनों को, भीम आदियों के जो कसम है उन कसमों को भी तो पूरा करना है, झूठा तो नहीं होना चाहिए ना। अपने भक्तों के वचन का झूठा होने का मतलब भगवान के भी वचन का झूठा हो जाना, इसलिए भगवान को यह भी ध्यान रखना है कि मेरे भक्त का किसी की भी भक्त किसी भी भक्त का कोई भी वचन झूठा नहीं होना चाहिए। और जरासंध को मारने का कसम बहुत पहले से ही भीम ने खा रखा है, जब दोनों के दोनों शिक्षा पा रहे थे उसी समय, इसीलिए अब यहाँ परेशानी है इनके सामने कि भाई सीधे जरासंध को मार भी सकते हैं, भगाना है दबा कर, छोटी सी अपनी सेना इतनी विशाल सेना के सामने इसको मुठभेड़ कराओ, उसकी सेना को तहस नहस करके फिर इनके मारे बिना इनको वापस भेजना भी पड़ेगा, नहीं तो ये मार डालेगा जरासंध को, भीम का वचन कैसे पूरा होगा, समस्या उनके सामने। इसलिए कहते हैं अपने अवतार का प्रयोजन भी ध्यान रखना है, देश काल के अनुरूप निर्णय लेना है। तो निर्णय क्या लिया, अगले श्लोक का वर्णन करते हैं। हनिष्यामि परम हेतत् भुवि भारं समाहितं मा घटेन समानितं वंश्याणां सर्वभूभुजां। हनिष्यामि बलम हेतत्, कहते हैं मैं इस 23 अक्षौहिणी सेना को अब मार डालूंगा, निर्णय, लेकिन जरासंध को नहीं मारूंगा, पूरी सेना को खत्म कर देनी है उसकी, उसे छोड़ना। क्यों, भूमि भारम समाहितम, ये वास्तव में इस पृथ्वी पर एक भार रूप सेना, जैसे वर्तमान में अमेरिका की सेना भारत पूरी भूमि के लिए भार रूप सेना, बे मतलब जिस किसी भी देश पर घुस जाए मार डाले और जबरदस्ती छीना जब्ती कर रहे हैं अपने बल का इस्तेमाल, ये भूभार सेना बोला जाता है ऐसी सेना, उसको भी नाश करने वाला अभी तो छोटा मोटा देवता ही पैदा हो रखा है, ला दे तो देगा जवाब, है कि दो चार और भी हैं उसके साथ ही मिल करके दे देंगे जवाब, लेकिन देने देगा तो कोई ना कोई मिटाना तो पड़ेगा, यही सेना ही खतरा हमेशा ही हुआ, कहीं मुसलमान सेना आया भारत पर सवार हो गए, फिर अंग्रेज आए वो सवार हो गए, कितनी इस तरह से बदल बदल किया राज किया यहाँ पर, फिर अंत में गांधी बाबा कहीं पैदा हो गया और उसे सत्याग्रह करते रहा, और दूसरे तरफ से उधर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भिड़ गए, सेना होना ले आए विदेशों से, अब कांपने लगा, और उधर उसी समय द्वितीय महायुद्ध समाप्ति हुआ था, स्वयं ब्रिटिश राज साम्राज्य कमजोर हो गया था, उन्होंने देखा इधर से तो वो सेना आ रही, इधर सत्याग्रह हो रहा है, उधर से हमारी कमजोरी हो चुकी है सारा, इससे अच्छा है भला ही भिड़ों के भिड़ करके और सत्यानाश करने की अपेक्षा से इनके भीख इनको दे दो और अपना राजा बाप बना रहा हूँ, एक पन दो का जैसा करके चल के तोड़ फोड़ करके राजनीति डाल करके हिंदू मुसलमान भेद कर दिया, देश को तोड़ दिया और चला गया। लेकिन जैसा भी हो स्वतंत्रता हुई हो सेना की दबदबा खत्म हो गया, अब यहाँ पर कहते हैं ऐसा नहीं करने का, यहाँ कोई सत्याग्रह करके जो सेना को भगाएंगे नहीं, हम इनको सीधा खत्म ही कर देना है, क्योंकि भूमि के भयंकर भार है ये सब, भूमि भारम समाहितम बलम महागजेन समानीतम, मगधराज जरासंध के द्वारा ले आया हुआ इस महान बल को सर्वभूभुजाम वंश्यानाम, सर्वभूभुजाम वंश्यानाम, सकल भूभुज अन्य छोटे मोटे राजाओं का वंश में पैदा हुए सकल यहाँ पर जो क्षत्रिय वंश यहाँ पर विराजमान इस समय, इन सबको मार डालना हो चुका, यह मानकर निर्णय ले लिया भगवान ने ऐसा इस फल को वंश्यानाम सर्वभूभुजाम वंश्यानाम बलम समाहितम, बल यहाँ पर इस समय समाहित, कि ये जरासंध उस समय सम्राट के जैसे काम कर रहा है, उसके अधीन बहुत सारे दुष्ट राजा लोग सब उसके अधीन थे, सब एक एकजुट हो रखे,
उनकी भी सबकी सब अपने अपनी सेना भेजे होंगे ना, जरासंध ने आदेश दिया आओ भेजो तुम्हारी अपनी सेना, तो भेजा इसने, सबकी अपनी अपनी सेना गई हुई है सबकी। इसलिए कहते सर्वभूभुजां वंशानां बलम् अक्षौहिणी विसंख्यातम् भटाश्वरथकुञ्जरैः मागधस्तु नहन्तव्यो भूयकर्ता बलोद्यमम्। अक्षौहिणी विहि भटाश्वरथकुञ्जरैः, भट कहते पदाति को, पदाति अश्व रथ कुंजरों से युक्त इन अक्षौणियों को, संख्यातम अक्षौणियों से युक्त महान संख्या वाला इस सेना को मागदस्तु नंतव्य, इसको तो हनन करना है लेकिन मागदस्तु नंतव्य, हमें तो जरासंध को मारना नहीं है। ये तो जगमतु किम बलम में वन भी न मागदम, मागदम वहत्वा बलम गृणामी यदा समा समागदम सर्व हनमी यदि चिंतिया मास। चिंतन ये था केवल हम सीधे जरासंध को मार डाले और उसकी सारी सेना अपना अधीन हो जाएगी, हमारी हो जाएगी। राजा को मार डाल दोगे क्या होगा, उसकी सारा राजवाज सब कुछ अपना अधीन हो जाता है। विकल्प इसके सामने थी, हम जरासंध को मार डालेंगे सीधे ही, पूरी उसकी सेना अपनी हो जाएगी, अथवा सेना को मार डालना है जरासंध को छोड़ देना है, क्या करना है उसी का निर्णय लिया आज इस समय वर्तमान स्थिति के अनुसार और मेरे अवतार का प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए देश काल प्रसिद्ध रूप में कार्य करने के लिए हमें सेना को ही मारना है, क्योंकि अकेला मगध का राजा भूमि का भार नहीं है, ये सब दुष्टों का ही समूह है, इसलिए सबको मारना है। और उसे छोड़ना भी क्यों है, और जितने दुष्टों को इकट्ठा करके बार बार ले आवे, हम मारते रहेंगे क्या कर, हाँ इसलिए उसको छोड़ना भी जरूरी है ताकि वो जाएगा फिर कुछ दुष्टों को इकट्ठा करे फिर आएगा, फिर उन दुष्टों को मारा जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे एक बार नहीं 17 बार कर। इतनी सेना और इतने दुष्ट राजा लोग हो चुके थे विश्व पर कि सब उसके समर्थन में अपनी सेनाओं को दिया करते थे, और हर बार 20-30-23 ऐसी अक्षौणी सेनाओं को ले आते, हर बार इतनी सेना रही लगभग ज्यादा थी। और अंतिम वो तो था ना, अंत है महाभारत तो समापन में जो बचे कुचे थे ना वो 18 अक्षौणी थे ना, पहले तो मुख्य सेना मार डाला जितनी अभी है यहाँ। इसलिए कहते देखो क्यों महासुनते हो, क्यों कर्ता फलोद्यम कहते, क्योंकि और बार बार ही करने वाला है, फल का उद्यम सेनाओं का इकट्ठा करना रूपी कर्म को महान कर्म के करने वाला है, इसलिए इसको बचाए रखना है हमें, ये बटोर बटोर के ले आवे और जिनको लाएगा उनको मार डालेंगे, इसको छोड़ा करेंगे बार बार, वे बटोर के लाएगा, यही करना पड़ेगा तभी जा करके अनायासी भूभार उतरेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, भगवान को छोटे मोटे राज्य सबसे भिड़नी पड़ेगी, कितना युद्ध छेड़ेगा किस किस के साथ युद्ध करते फिरेगा, ये सबसे आसान तरीका है, हीरो को छोड़ दो बाकी को मार डालो फिर और चार को इकट्ठा पटर के लाएगा ना, वो यही करना पड़ेगा, समय के अनुसार यही निर्णय उनका उचित महसूस होता है। ये तदर्थवतारोयम भूभार हरणायमे संरक्षणाय साधुरा मेरा अवतार ही इसी काम के लिए हुआ है, भूभार का हरण करने के लिए मैं अवतारो ये दर्तो किमर्थ भूभार हरणाय साधु नाम संरक्षणाय, और धर्मानुसार चलने वाले सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही है। अन्येषां वधाय च अन्येषां न असाधूनां च वधाय च, साधु पुरुषों का वध करने के लिए और शास्त्रीय मार्ग चलने वालों का वध करने के लिए ही मेरा यह अवतार है। अन्योपि धर्म रक्षायै देह संभ्रियते मया विरामायाप्य धर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित्। अधर्मस्य विरामाय अपि अधर्म का विश्राम कराने के लिए भी काले काले प्रभवत क्वचित, युगे युगे उसे काले प्रभव क्वचित। अन्योपि अन्य भी अवतार में धारण करता हूँ, ये यही कृष्ण अवतार नहीं,
अन्योपि देहा मया धर्म रक्षायै संप्रियते, अन्य भी शरीरों को मेरे द्वारा धर्म की रक्षा करने के लिए धारण किया जाता है और अधर्म का विश्राम प्रदान करने के लिए धारण किया जाता है। काले काले प्रबोध क्वचित एवं ध्यायति गोविंद आकाश सूर्य वर्चसौ ऋतौ उपस्थितौ सद्यः ससूतौ सपरिच्छदौ। ऐसा भगवान चिंतन जैसा किए, सत्य संकल्प है ना परमात्मा, खटती जो है दो दिव्य रथ वहां पर आकाश मार्ग से सामने आकर प्रकट हो गया। एवं ध्यायति गोविंद, ऐसा ध्यान कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, ध्यान चिंतन ध्यान में ध्यान करना नहीं, समाधि की बात नहीं है यहाँ, ऐसा ध्यय चिंता ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, इतने में आकाशात सूर्य के समान तेजस्वी ऐसा दो महान रथ ससूतों सारथियों के साथ सद्य सपरिच्छदौ सद्य ही वह प्रकट हो गया और उसे सारे अस्त्र साज सजावट थी उसे सपरिच्छदौ परिच्छद में सारे साज सजावट जो भी जरूरत है युद्ध के लिए वो सारी चीज उसके अंदर विद्यमान है। हाँ दोनों के लिए दो रथ है और अपने अपने अस्त्र सब दोनों के लिए जो विचार हो सारी चीजें हैं उसमें। आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षणमता ब्रवी। दिव्यानि आयुधानि पुराणानि च दिव्य आयुध, और वे आयुध ऐसे हैं अविनाशी, पुराणानि मैंने अविनाशानि अविनाशियानि आयुधानि दिव्यानि च दृष्टानि देख करके ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण संकर्षण बलराम के प्रति इन वचनों को कहे। पश्चार्य व्यसनम प्राप्तम यदुनांतावधाम प्रभो एष ते रथ आयातो दैतान्यायुधानि च। कहते कि देखो हे प्रभो, अरे समर्थ बलराम, बड़े भाई है ना, इसलिए भी प्रभु कहना जरूरी है, स्वामी है, बड़े हैं, मालिक हैं। पश्य हे आर्य, एक और संबोधन, हे आर्य पश्य प्राप्त व्यसरम, देखो भाई युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो गया है। यदुनां तो आवताम, यदुओं का आवताम रक्षा करने का समय भी आ गया है। आत्म आर्षक अवताम होनी चाहिए, आवताम कर जो आत्मा है वो आर्ष अवताम यदुनाम, यदुओं की आप रक्षा करें, ये तो नगर में घुसेंगे सबको मार डालेंगे, इसलिए यदुओं की आप रक्षा करें। अवताम एष ते रथ आयातो, ये देखिए आपकी सेवा में इस काम के लिए यह रथ उपस्थित हुआ है। दैतानि आयुधानि च, और यदृच्छया ही यह अनेक आयुध भी उपस्थित हो चुके हैं, और ऐसा दिव्य आयुध है ये कभी नष्ट होने वाले नहीं है। जितनी भी बड़ी सेना है चलाते जाइए, ये अक्षय तर्कस आदि युक्त यहाँ पर है विद्यमान, सबको मारिएगा। या नमास्ताय जयहिए तत् व्यसनात्सान समुद्धर ये तदर्थम नौ जन्म साधु नामीश शर्म कृत। तद या नमास्ताय, इस रथ रूपी यान का वाहन पर आस्थाय स्थिर होकर गए, ये तत् जही इस सारी सेना को मार डालो, और एतादृश व्यसनात्मक युद्ध युद्ध के निमित्त से इनको मार डालना, और स्वान समुद्र अपने स्वजनों को उद्धार कर दो। एतदर्थम इनौ जन्म, इसीलिए तो हम दोनों का जन्म हुआ ही है, अब अवसर मिल गया है, निपटाओ जल्दी से जल्दी इनको। साधु नाम ईश शरण कृत, ईश ये सब प्रशासन करने वाले प्रधान रूपा है ही नहीं, हिरण्य गर्भ रूपा है वो बलदेव बलराम, इसलिए कहते हैं हे ईशा साधु नाम शर्म कृतो, आप तो शरणागतों का कल्याण करने वाले हैं, सत्पुरुष जो शरणागत है इन लोगों का कल्याण करने वाले आप हैं, इसलिए आप तत्काल जो है आरंभ करें युद्ध को, कि बड़े की अनुमति के बिना छोटा क्या करेगा। इसे जान करके पहले बलराम जी को आगे कह रहे हैं, चलिए महाराज आप भूंगिए चालू कीजिए, फिर हम संभालेंगे, पीछे हैं, चिंता क्यों करो, परमात्मा है,
लेकिन देखो कितना नए है यहाँ, नए मन नित्य, बड़ों के अनुमति के बिना कर नहीं सकता। भले भगवान है, ईश्वर है, जो भी है, लेकिन अवतार में, मनुष्य लीला में जो व्यवहार के धरातल पे, बड़े तो बलदान है, छोटे खुद हैं। इसलिए उनको उकसाया, लड़िए, आप आपका अवतार इसलिए, आप इसलिए आए, हम भी इसलिए आपके साथ आए हुए हैं। इनके साथ वो आया है, लेकिन कहेंगे हम आपके साथ अवतार इसलिए ही लिए हुए हैं, इसीलिए आप आगे बढ़िए, आप कहें तब तो करेंगे हम लोग काम। पहले उनको इसलिए युद्ध के लिए उकसा, त्रयोविंशत्यनीकाख्यम भूमेर भारम अपाकुरु एवं सम्मंत्रदाशारो दंशितो रथिनो पुरा। त्रयोविंशत्यनीकाख्यम मेरे 23 अक्षरणी सेना वाले महान सेना है ये। भूमेर भारम, भूमि का भार है, इस बहाने इस भूमि के भार को आप मिटाइए, अपाकुरु एवं सम्मंत्रिय, इस प्रकार के उनको जो संबोधित करते हुए, आह्वान करते हुए दाशारव, दोनों के दोनों जो दाशवंशी हैं, ये महान दंशितौ जो है बद्ध कवचौ, अपने कवचों को बांध करके रथिनौ पुरात, अपने दोनों के रथी होकर के नगर से निकल पड़े। अगले श्लोक में निर्जगमतु पुरात, निर्जगमतु अगले श्लोक का अन्वय होगा। निर्जगमतु स्वायुधाढ्य बलेनाल्पी यसावृद शंकम दद्मौ विनिर्गत्य हरिद्दारुक सारथि। पुरात निर्जगमतो, दोनों के दोनों नगर से निकल पड़े। केवल अकेले दो ही नहीं निकले, स्व आयुधाढ्य अपने अपने आयुध के भरमार से युक्त होकर के चल रहे हैं, लेकिन बलेनाल्पी यसा अपनी छोटी सी सेना को लेकर चल रहे हैं। बलेन अल्पीय सृतौ तौ, छोटी सी सेना से युक्त होकर के वे दोनों के दोनों चल पड़े। निकलने के बाद भगवान ने देखा नहीं हो कहीं बलराम जी खिसक जाए, पीछे हट जाए, तो विशाल सेना को देख करके इसलिए उनको आगे तो कह दिया, हाँ हाँ चलिए चलिए, और पीछे शंख फूंक चालू कर दिया। कहीं सेना भी घबरा जाएगी ना, नहीं तो चालू हो जाने के बाद कोई रोक नहीं सकता, मारने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, जिसके बाद जो शस्त्र से तो मार काट करनी पड़ेगी, ये चालू तो हो ही गया ना, क्या करो। इसीलिए बड़े चालाक है, शंखम दद्भौ विनिर्गत्य, निकलते ही बराबर अपना शंख फूंक दिया। हरि दारुक सारथि, दारुक नामक सारथी जिसका ऐसा भगवान हरि ने शंख फूंक कर युद्ध का ऐलान कर दिया। ततो अभूत पर सैन्यानां हृदि वित्रास वे पतु तावाहं माघदो वीक्ष हे कृष्ण पुरुषाधम। ततो अभूत पर सैन्यानां हृदि वित्रास वे पतु, यद्यपि भगवान का शंख जो की विलक्षणता है, जिस संकल्प से शंख फूंकेंगे ना, वो सब के अंदर वही हो जाता है। उन्होंने जब शंख फूंक रहे थे, दो काम एक से कर रहे हैं, जब उस शंख की आवाज अपनी सेना के अंदर जाता है तो उनके अंदर जोश बढ़ेगा और शत्रु सेना के कान में घुसते ही उनका हार्ट अटैक होने लगेगा, कंपने लगेगा। वेपतुः वित्रास वेपतुः, विशेष रूपेण त्रास और कंपन पैदा कर दिया किसमें, पर सैन्यानाम अभू, पर सैनिकों के अंदर भयंकर हृदय में त्रास और कंपन पैदा हो गया और अपनी सेना में जोश बढ़ गया, बल बढ़ गया, सामर्थ्य बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया, ये विलक्षणता है। तौ आहम मागधो वीक्ष, मागध मागध व जरासंध ने देखा, अरे इतनी छोटी सी सेना, अरे दो बच्चे हैं बेचारे, कोई ज्यादा उम्र कोई नहीं, 14-15 के हैं, है? क्या ये बच्चे हैं, अब हम कहाँ, ये कहाँ, हमारी सेना कहाँ, ये कहाँ है। दो बातें हैं उसके दिमाग में जरा सम, एक तो बच्चे हैं और दूसरी बात उनको बनिया समझता है, छत्र समझता ही नहीं, क्यों, नंद बाबा है दूध बेचे कमाने वाला, उसके तरफ पाले हुए दो बच्चे हैं, ये
इसलिए तो बनिया जाति के तो क्षत्रिय भी नहीं, इनसे क्या युद्ध करूंगा, मैं क्षत्रिय होकर तो वैश्य के साथ युद्ध नहीं कर सकता, वैश्य जाति के लिए। ऐसे मान करो कहता है मागदो तो प्रति, उन दोनों के प्रति भिक्ष देख करके आ कहा, हे कृष्ण, अरे कृष्ण सुनो, हे पुरुषाधम, तुम पुरुषों में अधम हो, पुरुषों में अधम हो, सीधी भाषा में अर्थ अदला हो जाएगा, न विद्यते अधमत्वम यस्मात् इति पुरुषाधम, ऐसा पुरुष है जिससे कोई, जिससे अधम नाम का वस्तु नहीं होता। बहुरी समास कर दो, अनुत्तम जैसे करते हैं वैसे धम एव इत्यर्थः, न विद्यते धमो यस्मात्, नीचता जिससे कभी नहीं होती है उसका नाम अधम, जो सदा नीच करता है वो अधम भी होता है, वो भी अधम कहा जाता है, और जिसने कभी नीचता की नहीं उसका नाम अधम। न विद्यते धमो यस्मात् इति अधम विग्रहवाक्य करना बहुव्रीहि समास, हे पुरुष, पुरुषश्च असौ अधमश्च, अर्थात पुरुष श्रेष्ठ इत्यर्थः, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे कृष्ण इति संबोधन। न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेन नैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्द न योत्सेया हि बन्धुहन्। न त्वया योद्धुमिच्छामि कतः, हे बाल, बालेन एकेन, तुम एक बालक बच्चा हो, तेरे साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। गुप्तेन च, और तुम गुप्त हो, गुप्त मैंने बनिया हो, तुम तो वैश्य जाति वाले हो भाई, वैश्य जाति वाले के क्षत्र कैसे युद्ध करेगा, ये भी नहीं हो सकता है। नीचे टीका टिप्पण, गुप्तेना स्वजन ही रक्षित ना, एक अर्थ है, अथवा गुप्ते नंदादि वैश्य ही पालित वैश्य त्वया न योत्सेति सूचितम्, ऐसे तेरे वैश्य हो एक तरफ, दूसरा तुम एक छोटा सा बालक हो, और छोटी सी टुकड़ी लेकर के, सेना की टुकड़ी लेके आए हो, तुमसे हम क्या लड़ेंगे बताओ, लज्जा के मारे ना मेरे को कहना पड़ेगा भाई तुम यहाँ से चले जाओ, या ही बंधुहन, एक और संबोधन, बंधुहन हो तुम, कंस को मारने वाला, मामा को मारने वाले हो, ये बंधुहन, इसलिए भी हम तुमसे उधर नहीं लड़ना चाहते, बंधुहन। अच्छा, इसे भी आपको समास अलग करनी पड़ेगी, बंधुहन का भी, बंधुहन में क्षत्रिय प्रत्यय तो हाथ त्यागे, बंधुन सर्वान त्यजत ये न सब बंधुहा, उसका प्रथम एक वचन है बंधुहन, बंधुओं को त्यागने की स्वभाव वाला, वहां पे क्षत्रिय करे तो बंधुहत बनता है, बंधुहत प्रातिपदिक है, उसका प्रथम एक वचन बंधुहन बनेगा, बंधुहन मैंने बंधुओं को त्यागने वाला, अर्थात जिसका कोई बंधु होता ही नहीं, जिसका कोई बंधु होता ही नहीं है, इसलिए बंधु को त्याग दिया कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा है ना, परमात्मा कोई बंधु नहीं होता है ना, हाँ वो तो कह सकते हैं, वो तो व्यवहार दृष्टिकोण से पहले बता ही दिया ना, बंधुओं को मारने वाला, मामा को मारने वाला, भाइयों को मारने वाला, कुछ भी हो, वो तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अर्थ हो ही गया, परमात्मा दृष्टि से यदि कहेंगे, परमात्मा को संबोधन कर रहा है वो, और कह रहा है तुम तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म हो, हम तो द्वैत में रहने वाले हैं, ज्ञान और अज्ञान की क्या लड़ाई होती है, एकेन बालेन, बालेन एकेन करन, एकेन मैंने क्या, तुम एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्व, और ब्रह्म तत्व निर्गुण निराकार है, और निर्गुण निराकार के साथ लड़ाई क्या होगा सगुण साकार की, हम तो सगुण साकार पड़े द्वैत में अभेद में, और अभेद और भेद की लड़ाई कैसे होगी, इसलिए एक न नयोत्स भ्रम के साथ युद्ध नहीं हो सकता। हाँ बंधु करता अविद्या ले लो, अविद्या, अविद्या का नाश करने वाला ज्ञान, वही तो एक किधर हो गया ना, भ्रम पर ले लिया, हाँ बंधु शब्द से अविद्या ले लिया, उसको हनन करने वाला, आते ही बंधु आते ही रिपू कहा भी है, अविद्या ही सब कुछ होता है, इसको हनन करने वाला परमात्मा, हे बंधु हन, ये भी संबोधन हो गया।
अतः बंधु त्यजति ये न सा बंधुहन, ये भी बन जाएगा बंधुओं को त्यागने वाला जो व्यक्ति उसका नाम भी बंधुहन हो जाता है। तो इस प्रकार से परमात्मा को संबोधन करते हुए कह रहा है तव राम यदि श्रद्धा, इनका तो बलराम से लड़ने को तैयार है जरासन, क्यों बलराम सगुण साकार है ना, विराट रूप है। इसे तो तुम्हारी हमारी लड़ाई तो हो सकती है, तुम भी अज्ञानी हो मैं भी अज्ञान कोटि में, दोनों अज्ञानी लोगों की लड़ाई हो सकती है। ज्ञानी और अज्ञानी की लड़ाई कैसे होगा, ये तो असंभव है, लेकिन अज्ञानी अज्ञानी की लड़ाई हो जाए इसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तव राम यदि श्रद्धा यदि श्रद्धा तव तरी युद्धस्व, युद्धा युद्ध करो मेरे साथ, धैर्य धैर्य का उद्वहन करो, हित्ता मच्छर छिन्नम देहम, और मेरे प्राणों से छोड़ा गया छोड़े जाने मेरे प्राणों के द्वारा तू मरेगा, और या तू स्वर्ग जा, नहीं तो मेरे को मार कर मेरे को स्वर्ग भेज दे, स्वर्या ही माम वाचही, या तो मेरे बाणों से मारा होकर तुम अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग चले जाओ, नहीं तो मुझे मार डालो, दो में एक करो। ये कितनी चैलेंज कर, अब यद्यपि देखो ये भी नंद बाबा से पाला हुआ है, इसको नहीं कह रहा है वैश्य, इसलिए वहां शब्द अर्थ जो है ना वैश्य जो अर्थ लिया गुप्त शब्द से वो ज्यादा ठीक नहीं है, चक्रवर्ती टीकाकार ने लिया है तीनों ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए वो सब ज्ञान पर लेना ठीक है। आप ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, शुद्ध है, ज्ञान रूप है, और ज्ञान के अज्ञान से कोई विरोध नहीं होता, अज्ञान अज्ञान का विरोध होता। इसलिए भगवान कृष्ण क्या है, साक्षात ब्रह्म है ज्ञान, और इधर बलराम क्या है, वो स्वयं का कारण रूप है, वो मायावचन चैतन्य है, वो केवल जो वही हिरण्यगर्भ होते हैं उसको विराट कहते हैं, वो तो अज्ञान अवच्छ है, अज्ञान की अवस्था विशेष है, और स्वयं भी जरासंध है, अज्ञान की अवस्था विशेष है। जरा कदापि न संदेह दीदी दी, जरा असंध यदि जरासंध, कभी भी बुढ़ापा को जो नहीं देखा उसका नाम जरासंध होता है। जराम कदापि न संदेह दी अनुसंधेह दीदी जरासंध, अर्थात बुढ़ापा जिसने कभी देखा ही नहीं जीवन में उसका नाम जरासंध, उस उम्र में भी जवान के से ज्यादा ताकत वाला, वो 90 साल का बूढ़ा और 40 साल के जो है भीम से लड़ता है तो पटक पटक करके एकदम कितना हालत खराब कर दिया। ये भगवान ना बतावे रास्ते यूं पलट सुलट करके दिखाया ना, पत्ती फाड़ा पलट के दिखाया, नहीं तो कहां से मार पाता भीम, इतनी दमदार आदमी उस उम्र में भी। इसका मतलब क्या, जरासंध नामानुसार उसका व्यवहार तो था ही, दम तो था, जराम कदापि न संदेह दीदी जरासंध, इसलिए भी अज्ञान कोटि में है ना, जरा वगैरह कहाँ है, अज्ञान में तो है, इसलिए जरासंध भी अज्ञान कोटि वाला है, बलराम भी अज्ञान कोटि वाला है, इसलिए कहते हम दोनों अज्ञान कोटि वाले अवश्य लड़ सकते हैं, अज्ञान अज्ञान का आपस में टक्कर हो सकता है। इसलिए यदि तुमको लगता है तुम्हारी श्रद्धा है और समझते हो तुम मुझसे लड़ने लायक हो तो आओ लड़ो, कोई बात एक कहता है, या ही प्राप्त हुई यद्वा माम जी अच्छे देह हो सभी, वहां पर भी जो है देहम छिन्नम देहम स्वर्याई माम वा जई, है ना, क्यों अपने क्यों कह रहा है उसको इतना लंबा चौड़ा कह दिया, माम जई माम अपी यास्य, ऐसा नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जानता उसका शरीर को कोई मार नहीं सकता, उसके उसको वरदान प्राप्त, एक टुकड़ा भी करो तो वापस जुड़ जाएगा, इसकी क्षमता है, इसलिए जानते हैं मेरे शरीर तो नष्ट होने वाला है ही नहीं, तेरा शरीर तो जरूर मरेगा इसी युद्ध में, इसीलिए तेरा ही नंबर लगा है स्वर्ग जाने का, मैं तो मस्त हूं, अपनी विश्वास के साथ ये बात कह रहा है, स्वर या ही अथवा माम जही। श्री भगवान वाच, तो भगवान कहते मेरे को किनारा करके लड़ना चाहता है, मेरे बिना तू तो जिंदा भी नहीं रहेगा, आत्मा के बिना कौन जिंदा है, अज्ञान में टिका है तो ज्ञान रूप अधिष्ठान में टिका है, इसलिए मेरे बिना तो युद्ध हो भी नहीं सकेगा, कोई क्रिया नहीं हो सकती, आत्मा के बिना किसी भी प्रकार क्रियाकलाप नहीं हो सकता, संसार नाम की चीजें नहीं दिखाई देगा, अरे मेरे बिना युद्ध ही नहीं हो सकता है तो तुम कैसे कह रहे हो तुम उनसे लड़ूंगा, नहीं लड़ना पड़ेगा। श्री भगवान वाच, भगवान कहते
न वैशूरा विकत्तन्ते दर्शयन् देव पौरुषम् न गृह्णीमो वचो राजन् नातुरस्य मूर्छतः। जब वीर जो होते ना शूर, ऐसे बहानेबाजी नहीं करते हैं, चाहे बालक है चाहे कोई भी है, ललकारा है युद्ध में तो युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। यहाँ कोई बड़ा छोटा लज्जा करने का अवसर नहीं युद्ध भूमि। ये तो देखना घर द्वारे जब बातचीत होती बड़ों के सामने कैसे करना, छोटों पर छट्टा नहीं मारना, वहां देख लेना। ये तो युद्ध भूमि है, यहाँ जो भी ललकारेगा उसे लड़ना पड़ेगा। शूर हो करके ऐसी बातें कहना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। शूरा वही निश्चित रूपेण एतादृशम पौरुषम वचनम न विकत्तन्ते किंतु दर्शयन्ति वा पौरुषम, ऐसे वचनों को नहीं बोलते हैं, अपौरुष कथन कर नहीं करते किंतु अपने पौरुष अपने सामर्थ्य अपने बल को दिखाते, लड़के दिखाते। न गृह्णीमो वचो राजन, हे राजन अरे न जरासंध, मैं तेरे इन वचनों को स्वीकार नहीं करता। आतुरस्य मूर्छतः, कहते आतुरस्य मूर्छतः, दो बात, आतुर के वचन या मूर्छु का वचन को हम कभी ग्रहण नहीं करते। जो आतुर होते हैं, जो मूर्छु होते हैं, उनके वचनों को कभी ग्रहण नहीं करनी चाहिए युद्ध भूमि में। युद्ध भूमि में वही तो आ रहा है, युद्ध भूमि में दो ही लोग आ सकते हैं, तो आतुर अथवा मूर्छु। मरने की इच्छा, अपने हथेली पर मृत्यु को रख करके लड़ाई के लड़ने के लिए जाना पड़ेगा, वहां मृत्यु के भय वाला नहीं जा सकता। ये तय है मैं मरने के लिए तैयार हूं, जो ऐसी इच्छा वाला है वो जाएगा वहां लड़ने के लिए, नहीं तो भाग जाएगा युद्ध भूमि से। जिसको जीने की इच्छा है, जो जिजीविषु है वो लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता, जो मूर्छ है वही लड़ाई लड़ने। आज भी क्या है, सैनिकों की जब सेना में भर्ती कराया जाता है, ट्रेनिंग के बाद शपथ ग्रहण कराया जाता है, किसी भी क्षण मौत आवे मैं डरूंगा नहीं, अपने मौत से मेरे को डर नहीं है, मेरे को शत्रुओं को वध करना मेरा लक्ष्य है। या तो शत्रु को मारूंगा या तो स्वयं मरूंगा, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, एक कसम खाना पड़ेगा सर। एक योद्धा का कर्तव्य पीछे हट नहीं सकते, इसलिए कहता है वो मूर्छता और आतुरस्य। अथवा राजन है न भी है ना, वो राजन के नकार से नुटागम है, अथवा न निषेध को जोड़ लो, ना तो रसे कर दो, आतुर करने से हो गया पीड़ित व्यक्ति और मरणासन जो बूढ़ा, इन दोनों को छोड़कर अन्यों का जो वचन है वो ऐसा वचन हो तो हम स्वीकार नहीं करें, दो नहीं को ले लेना। आतुर ने पीड़ित नहीं, मरण ऐसे नहीं लेना है, न गृह्णी मग से घटेगा नहीं ना, फिर उसका अनवय कहाँ करोगे। मूर्छता आतुरस्य वचो न गृह्णी मैति न, दो नहीं से लेना पड़ेगा, नए ग्रहणों का ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात यदि कोई पीड़ित हो या वास्तविक बुढ़ापे से मर रहा हो उसका वचन होता तो वहां नहीं ग्रहण करता ऐसा नहीं, अर्थात उसका वचन तो मैं मान लेता, लेकिन तुम न आतुर हो न मूर्छ हो इसे तुम्हारे वचनों को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तुमको तो लौटना ही पड़ेगा। नहीं आतुर संन्यास वर्ग, जो वैदिक शब्दावली में आतुर शब्द होता है बिल्कुल मरणासन व्यक्ति को ही होता है, और मरने का इच्छुक है दोनों प्रकार, इसे अन्वय करने के तरीका पर निर्भर है। शीर्षक उवाच चरासुतस्तवाव ताव अभिश्रित्य माधवौ महाबलौघेन बलीयसावृणोत् ससैन्ययान ध्वजवाज सारथी सूर्यानलो वायुरिवाप्ररेणुभिः। जरासुतः, जरा का जो सुत है माने जरासंध, उसने क्या किया, तौ अभिश्रित्य माधव, तौ माधवौ जरासुत अभिश्रुत्य महाबलौघेन बलीयसा आवृणो। जरासंध ने क्या किया, उन दोनों के सामने आया, बलराम और कृष्ण के सामने,
और वे मान बल के सामर्थ्य से उन बलियसा महाबलो गिन बलियसा च आवृणोत, उन दोनों को जो घेर लिया। ससैनियान ध्वजवाज सारथी, अपने सैन्य, अपना यान, अपना ध्वज, अपने बाजी, अपने सारथी आदि के साथ सरथी वाला होकर के वह जरासंध ने सूर्यान लो वायु अप्र रेणु की, यहां अभी सादृश्यता दे रहे हैं, महता सैन्य समूह ने आवृतवान, महान सैन्य समूह से आवृतवान हो गया, माधव मधुवंश भवो, ये दोनों के दोनों को आवृत करने वाला हो गया। वायु मैंने अप्र ही सूर्य रेणुविश्च अग्नि, दो दृष्टांत, जैसे वायु के द्वारा वायु क्या करता है, अभ्रम बादलों के माध्यम से सूर्य को ढक देता है, अथवा रेणुओं के द्वारा अनल को अग्नि को ढक देता है वायु, उसी प्रकार वायु अप्रे सूर्यम और वायु रेणुविश्च अन्य अग्निम यथा घेर देते हैं, उसी प्रकार से जरासंध ने सारी सेना को लेकर के इन दोनों को घेर लिया। यह सूर्य का दृष्टांत, सूर्य का दृष्टांत जो दिया गया है कृष्ण के लिए, और अग्नि का दृष्टांत दिया है बलराम के लिए, इसलिए जान के दो दो दिया। उन दोनों को जिस प्रकार अकेला वायु, वायु एक और घेरा उसने दो को, अलग अलग चीजों से घेरा, लेकिन एक को बादल से, दूसरे को धूल कण से, उसी प्रकार अकेला जरासंध ने अपनी विलक्षण सेना के द्वारा कृष्ण और बलराम दोनों को घेर लिया। सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हित रथौ अलक्षयंत्यो हरि राम यो मृदे स्त्रिय पुराताल हरम्य गोपुरम समाश्रता समूहिता। इधर मथुरा नगरी के लोग ऊंचे से ऊंचे मकान पर चढ़ चढ़ के देख रहे हैं युद्ध भूमि में क्या हो रहा है वहां बाहर, और देखा नरे कहीं दिख रहा है न कृष्ण दिखाई दे रहा है न बलराम, उसकी तेज अक्षण सेना और के महान समुद्र का बीच में ये दोनों कहां गायब हो गए हैं दिखाई नहीं देता। सब हाहाकार मच गया, रे भाई हो गया काम खत्म, मामला सारा काम खराब हो गया, ये दोनों को जाने नहीं देना चाहिए था, पहले अन्य लोगों को भेजना चाहिए था, ऐसे ऐसे आपस में चर्चाएं होने लगी है, भले हार जाते दोनों तो जीवित रहते हमारे पास रहते बच्चे, अनेक प्रकार चर्चा हो रहा है। सुपर्ण ताल ध्वज चिन्हित, सुपर्ण ध्वज और ताल ध्वज से चिन्हित है दोनों का रथ, कृष्ण का ध्वज गरुड़ से चिन्हित है और बलराम का ध्वज ताल से चिन्हित है, ताल वृक्ष का चिन्ह से युक्त है, अथवा ताल ये व तार ओम ओम से अंकित है उसका ध्वज। इस तरह से दोनों के ध्वज चिन्हित रथौ अलक्षयंत्य, किनके है दो रथ, हरि राम यो कृष्ण और बलराम के ये रथों को मृद अलक्ष्य मृद में युद्ध में न लक्षित होते हुए देख करके स्त्रिय अलक्ष्य स्त्रिय, वो कहाँ है वो स्त्रिया युद्ध भूमि कहाँ से आ जाइए और दे कहते पुर अट्टालक हर में गोपुरम समाश्रता स्त्रिय शुचा अर्जिता संतो समूह, शोक से पीड़ित करके अत्यंत मोहवश में आकर रोने लगी चिल्लाने लगी आपस उल्टा सीधा बातें बोलने लगी। हरि ही प्राणी कपयो मुचामु शीली मुखात्युल बण वर्ष पीड़ितम ससैन्य मालोक्य सुरा सुरार्चितम विस्फूर्ज यच्छार्ग शरासनोत्तमम। हरि ही हरि ने देखा, ओहो प्राणी कपयो मुचाम पर सेना बादलों के समान हम सबको घेर रखा है, पहला दृष्टान से समर्पित कर दिया। देखो परानिक चासव पयोमुचा, परानिक पयोमुचा हरि, हरि ने देखा परानिक रूपी बादलों से घिरा हुआ हमारी छोटी सी सेना बेचारी रो रही है ना। शिली मुखात्युल्बण वर्ष पीड़ितम, शिलीमुख इत्यादियों से शिलीमुख कहते बाणों के,
अत्युल्बण महान भयंकर बारिश से पीड़ित परसेना रूपी बादलों ने बाणों का बारिश बरसा रहे हैं। किन पर? स्वसैन्यमालोक्य, उस बारिश से पीड़ित अपना छोटी सी सेना की दुर्द गति को उन्होंने देखा। सुरा सुरार्चितम सूर्य यच्छार्ग शरासनोत्तम, तब भगवान ने क्या किया? हरि व्यस्फूर्जय, हरि ने एक भयंकर जबरदस्त टंकार बजा दी। आप तक जो है अन्य शस्त्र शस्त्र कर रहे थे, अब जो है शार्ग धनुष को उठाया। जिस धनुष को सुर असुर सभी पूजते हैं, सुरा सुरार्चितम शार्ग शरासनोत्तम, शार्ग धनुष जो शरगा बाणों के आसन उत्तम आसन है, आसनों में उत्तम आसन है, ऐसा उत्कृष्ट धनुष को उन्होंने उसके टंकार बजाई। घृणन निशंगा दद संदरान विकृष्य मुंचन छित बाण फूगान निघ्नन रथान कुंजर वाजपति निरंतर यद अलात चक्रम। घृणन निशंगा अपने निशंग से तर्कस से धड़ाधड़ निकले जा रहे फटाफट शरान संदत विकृष्य च मुंछत, शरों को संधान करे जा रहे हैं और खींच खींच करके छोड़े जा रहे हैं। छित बाण पूगान, ऐसा दिव्य बाणों को छोड़ा, एक बाण छोड़ रहे थे वो हजारों की संख्या में गुणा होकर के सब लोग को मारते जा रहे, धड़ाधड़ मारते। निघ्नन रतान कुंजर वाज पत्थि, उसकी चतुरंगिनी सेना तेईस अक्षर सेना का धड़ाधड़ मारने लगे, कोई चीज को छोड़ा नहीं। रथ कुंजर वाजी पथ चारों प्रकार की सेना को उन्होंने विघ्नन मारते हुए ऐसा निरंतर चलाए, अवसर ही नहीं वहां से कोई बाण इनके पास तक पहुंचाए। बाणों को बाणों से टकरा दिया और वो बाण उनकी बाणों को मार करके उनकी सेना को भेदन कर डाला। दृष्टांत यद्वत अलात चक्र, जैसे अलात चक्र घूमता है निरंतर कर घूमते रहता है, एक किनारे में गोला अग्नि का होता है, बाकी तो तार होता है, लोहे का तार होता है और कोने में आग जला दिया एक कोने में, बस गाय से घुमाते हैं अब कैसा लगता है लगातार आग निकल रही है, आग का एक गोल ऐसे चक्कर, उसको कहते हैं अलात।